नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं कोई उपाय या फिर कोई मंत्र या फिर कोई जप इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताने वाली हूँ। आज मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसे अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपके लिए अपनी इच्छाएं पूरी करना बहुत आसान हो जाएगा, आपका खुश रहना बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं इतनी जो वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस मंत्र को करें, आप ऐसे उपाय यूज़ करें या आप ऐसा जप करें, आपकी इच्छा पूरी होंगी। लेकिन उसके साथ आज मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि आपकी विशेष पूरी नहीं होती है अगर, तो उसमें कोई मंत्र और किसी उपाय का दोष नहीं है, दोष है इसमें आपका। क्योंकि जो ये मंत्र है, जो ये उपाय है, ये सिर्फ एक सपोर्ट का काम करते हैं। सबसे पहले आपकी आत्मा स्वच्छ होनी चाहिए, आपके मन में कोई कलेश नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति कोई दोष नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप पूरा दिन माला जपें और लेकिन मन में अगर आपके सिर्फ षड्यंत्र चल रहे हैं तो भगवान भी आपकी भक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे। तो आपको अगर सामने वाला जैसा भी है वो आपसे कुछ कहता है तो आप अपना मुंह गंदा मत कीजिए। सबसे अच्छा तरीका है या तो आप बिल्कुल मौन व्रत धारण कर लीजिए, और या फिर जब आपको किसी पे गुस्सा आने लगे तो ज़ोर ज़ोर से राधे 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 का जप कर लीजिए। दूसरा अपने आप चुप हो जाएगा और आपका भी ध्यान भटक जाएगा, भगवान की तरफ चला जाएगा, तो आपका गुस्सा शांत होने लगेगा। या फिर अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप काउंटिंग स्टार्ट कर दीजिए, और लेकिन ये ना आपको मन में नहीं करना है, आप ये मुंह से बाहर बोलिए जिससे कि आपका ध्यान भटकने लगे, आपको उस जगह पर ध्यान ही ना जाए, ठीक है। या फिर अगर आप कोई मंत्र कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं और उस टाइम पे आपके मन में किसी को लेके ऐसे ख्याल आते हैं तो आप पहले ही बोल दीजिए डिलीट डिलीट डिलीट, मेरा मन बिल्कुल साफ है, मेरा दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति चल रही है, ठीक है। क्योंकि ऐसा करने से अगर आप किसी से आर्ग्यूमेंट भी कर लेते हैं, किसी पे गुस्सा भी दिखा लेते हैं, लेकिन जो सामने वाला बंदा जैसा है वो वैसा ही रहेगा, आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पे, लेकिन आपकी जुबान गंदी हो जाएगी। उससे अच्छा है कि आप इग्नोर करें। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है कुछ भी तो आप वहाँ से चले जाइए जहाँ पर जो बात हो रही है, कोई आपसे बात कर रहा है, कोई आपको इरिटेट कर रहा है, तो आप वहाँ से उठ के चले जाइए, बस इग्नोर हो गया आपका। थोड़ी देर आप इससे दूर रहेंगे फिर आपका माइंड सेट हो जाएगा, फिर आप नॉर्मल होने लगेंगे, थोड़ी सी देर की बात है बस, और फिर आप एकदम से नॉर्मल हो जाएंगे। अगर दूसरी चीज, हमें अपनी ज़िंदगी से अगर दुख को दूर करना है तो सबसे बड़ा उपाय है कि आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए। क्योंकि जब हमें किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है और अगर सामने वाला कुछ कर देता है तो हमें बहुत खुशी होती है। तो जब आप किसी से कोई उम्मीद नहीं रखेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि जब हम ज़्यादा उम्मीद करने लगते हैं और वो हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती है तो हमें फिर बुरा लगता है, हम मन ही मन दुखी होने लगते हैं। सबसे अच्छा उपाय है एक्सपेक्टेशंस को जीरो कर दीजिए, किसी से एक्सपेक्ट मत कीजिए। अगर आपको कुछ एक्सपेक्ट करना है, कुछ उम्मीद करनी है तो सिर्फ भगवान से कीजिए, भक्ति में लीन हो जाइए, तो इन सब चीज़ों से आप दूर हो जाएंगे और आप हमेशा खुश रहेंगे, ठीक है। आपको अगर फ्रस्ट्रेशन है या आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो
तो आप मेडिटेशन कीजिए, भक्ति कीजिए, लेकिन किसी के साथ आर्गुमेंट करके, किसी के साथ बहस करके आप अपनी ज़ुबान गंदी मत करिए। मेरा यही मानना है, जब हम साफ रहेंगे, हमारा दिमाग साफ रहेगा, तो ही सारी चीज़ें काम करेंगी, तो ही भगवान भी हमें स्वीकार करेंगे, हमारी भक्ति भी स्वीकार होगी। अदरवाइज़ हम चैंटिंग कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में हमारा कुछ और चलता जा रहा है, तो वो भगवान तक तो पहुंच ही नहीं रहा है। भगवान तक हो सकता है हमारी नेगेटिव वाइब्स जो हैं वो पहुंचे। ठीक है, तो आज आप सब मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि आप इन्हें ही फॉलो करेंगे जो मैंने चीज़ें बताई है। हो सकता है थोड़ा स्टार्टिंग में आपको ना हो पाए, पर कोशिश करके देखिए, धीरे 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 होने लगेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भगवान में लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेडिटेशन को दीजिए, ज़्यादा उस टॉक्सिक पीपल से दूर रहिए जिनसे आपको लगता है कि आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, जिनको देख के आपको गुस्सा आता है, दूर रहिए उनसे। ठीक है, तो फिर आप प्रॉमिस कर रहे हैं मुझसे कि आप ये चीज़ें अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो करेंगे, और बाकी उपाय और मंत्र थेरेपीज वो मैं लेके आती रहूँगी, सारी चीज़ें मिलके बहुत अच्छा काम करेंगी। बाय। और किस किस ने ये चीज़ें अडेप्ट की है अपनी लाइफ में वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, आपका सपोर्ट मुझे हमेशा मिलता रहे, प्यार हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद। Thank you.